भूकंप आने वाला है, यह सूचना आपको अगर पहले मिल जाए तो आप अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जा सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप एक भूकंप की तरह ही होता है जो हमारे रिलेशनशिप को नष्ट कर देता है। अगर आपको इसका अंदाजा पहले से लग जाता है तो आप अपनी इस भूकंप वाली परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। और ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो तो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि शायद आपका पार्टनर अब आपके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, अब वो आपको छोड़ देना चाहता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लड़के मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करते और मुझे ये कहते कि अचानक से मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपका पार्टनर आपके साथ अचानक से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि ब्रेकअप करने के पहले ही वो बहुत सारे ऐसे इशारे देते हैं, बहुत सारे ऐसे साइन आपको दिखाता है कि वो अब आपके साथ ब्रेकअप करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे साइन के बारे में बताऊंगा, चार ऐसे इशारे जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। सबसे पहली साइन कि आप अपने पार्टनर के व्यवहार में ये नोटिस करोगे कि जब आप दोनों बात करते, जब आप दोनों मिलते तब उनका मूड ठीक नहीं होता, आपके साथ वो अच्छी तरह से बात नहीं करते, यानी कि आपसे मिलकर, आपसे बातें कर उनको अच्छा ही नहीं लगता। हमेशा वो फरियाद करते हैं कि मूड नहीं यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी कि आपके साथ कभी वो अब खुश नहीं होते। लेकिन आप नोटिस करते हो कि आपका पार्टनर है उनके दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ हंसी मजाक करता है, खुश होता है, जब वो आपसे अलग होता है तो उनका मूड भी होता है, वो बाहर घूमने भी जाता है, लेकिन जब आपसे बात करनी पड़ती है, जब आपसे मिलना होता है तब उनका मूड गायब हो जाता है, यानी कि आपके साथ उनका मूड हमेशा खराब ही रहता है। तो एक साइन ये है कि दोस्त अब वो इंसान आपसे ऊब गया है। दूसरी साइन कि अब आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ही कम बातें करता है और कभी भी आपको सामने से मैसेज या कॉल नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत ही कम करता है। आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बात करने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कितने लंबे लंबे मैसेज आपके पार्टनर को भेजते होंगे। और अगर आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, ऐसे समय में उनके रिप्लाइज बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को अब आपके साथ बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप याद करते हो कि जब आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो आपका पार्टनर आपको कितने लंबे मैसेज करता था, आपके साथ कितनी सारी बातें करता था, सामने से कितने कॉल करता था, कितने मैसेज करता है, लेकिन अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ज़्यादातर आप ही सामने से उनको मैसेज करते और आपका पार्टनर सिर्फ आपको रिप्लाई देता है, तो इट मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरी साइन कि आप जो भी अपने पार्टनर को बताते हो कुछ करने के लिए तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसका उल्टा करता है या आपकी कोई भी बात नहीं मानते। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो बाहर, कहीं पे मिलने वाले हो और अपने पार्टनर को आप ये बताते हो कि आज तुम ये वाले कलर के कपड़े पहन के आना, वो शर्ट पहन के आना, वो ड्रेस पहन के आना, तो आपका पार्टनर आपकी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट, इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानता, बिल्कुल ही उसका उलट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको पता चले कि अब वो आपको पसंद नहीं करता, आपकी कोई चीज़ों को भाव नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप दोनों में झगड़ा हो और वो आपसे अलग हो जाए, इस रिलेशन से उसका पीछा छूट जाए। चौथी साइन कि आपकी बहुत ही मामूली और छोटी बात के ऊपर वो गुस्सा करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई गलती भी करते थे पहले तो भी वो आपकी बातों के ऊपर गुस्सा नहीं करता, लेकिन ऐसी छोटी बातें जहाँ पे रियल में वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी वो आपके ऊपर गुस्सा करता है और बिल्कुल भी आपकी केयर नहीं करता, आपकी परवाह नहीं करता। लेकिन आप पहले देखते थे कि आपकी बहुत छोटी चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा केयर करता था, इसका मतलब ये कि उनको अब आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा इसलिए वो आपकी केयर नहीं करता, लेकिन वो आपके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उनको अब ये सारी चीज़ें इरिटेट करने लगी। आपको अपने पार्टनर में ये संकेत देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जल्दी आपका पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप करने की फिराक में है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने रिलेशन को कैसे संभालोगे। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते तो कमेंट करें, वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई रिलेशन है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच। मीकु ई वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेयर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि, रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन ने प्रेस चेयंडि।